रीवा की जहां शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में आज महिला दिवस के अवसर पर छात्राओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प एवं एसपी नवनीत भसीन साथ ही महिला बाल विकास के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। आज महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों ने दो प्लान किए हैं। पहला, बच्चियों को साइबर जागरूकता के विषय में हम लोगों ने यहाँ पर आके टिप्स दिए हैं, उनको पैम्पलेट्स बांट रहे हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट समझा रहे हैं कि किस प्रकार हमें साइबर फ्रॉड से, ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है, साइबर क्राइम से बचना है। दूसरा, हमारा आज देख रहे हैं आप शहर में ट्रैफिक की कमान हमारी सभी महिला पुलिस साथियों ने निभाई है और वो लगातार विभिन्न चौराहों पर लोगों को समझाई दे रही हैं एक्सीडेंट कम करने के लिए, ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए टेम्पलेट्स बांट रही हैं, रोक करने को समझाई दे रही हैं। इस प्रकार महिला दिवस हम लोग इस तरह से इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू। दिवस पर रीवा जिले की सभी महिलाओं को, सभी बच्चियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और जिला प्रशासन इस बात के लिए कृतसंकल्पित है कि बच्चियों के जन्म से लेकर और महिलाओं के कैरियर तक और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हम उनकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और हमारी कोशिश है कि एक खूबसूरत हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जीवन उन्हें प्राप्त हो। आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जैसा आपको बताया है कि हम लोग छोटे बच्चों से लेकर आंगनवाड़ियों में और किशोरी स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिले में किशोरी बच्चियों के स्वास्थ्य के परीक्षण का एक अभियान चल रहा है और हम कोशिश करेंगे कि जो भी इशू उसमें निकल के आते हैं उनका हम रेफरल इलाज भी करें और हेल्थ के पैरामीटर को बेहतर बनाएं।